अच्छे कलर्स के फ्लैश कार्ड्स ले लो, थोड़ा सा एम्फेसाइज होना चाहिए। और हाँ, एक ब्लैक कलर का बोल्ड मार्कर भी ले लो, हमने टैगलाइंस लिखनी है ना। अच्छा सुनो, स्लोगन्स तो मैंने सोचे हुए हैं, तुम जरा लिखना स्टार्ट करो। हाँ लिखो, मासूम चेहरे के पीछे अब हैवानियत नहीं चलेगी। हाँ एक और लिखो, हम पे खर्चा करके हमारे बाप पे एहसान मत करो। अच्छा अब लिखो, मेरा घर मेरी मर्जी। अच्छा नहीं नहीं वही लिख लो जो लिखते हैं, और अपना खाना खुद पकाओ, हमें आजादी चाहिए। ये सब तुमने लिख लिया है ना, चलो बाय, लोकेशन पे मुलाकात होती है, बाय। हाँ शुभ, कहाँ पहुंचे भाई? अरे फ्लैश कार्ड नहीं यार, वो तो छोटे छोटे होते हैं, वो कराची में से साइन बोर्ड कटे थे ना, उसमें तो 3-4 साइन बोर्ड लिया, 20-25 फिट वाले जो होते हैं बड़े बड़े। हाँ हाँ, मार्कर से क्या होगा, कुलची लाओ, कुलची चौड़ी वाली जो होती है ना, जिससे लिखते हैं। हाँ अच्छा, मैंने कुछ सोची है टैगलाइन, नोट कर लो, हमें खाना खिला के हमारे बाप पे एहसान नहीं करो, हम बाहर से भी खा सकते हैं और उससे बेहतर खा सकते हैं। एक और लिखो, मेरी सैलरी मेरी मर्जी। एक और लिखो, मेरा घर मेरी मर्जी, बल्कि नहीं, घर तो मेरा है नहीं, मेरे बाप का घर है। नहीं लिखो, मेरे बाप का घर उनकी मर्जी, उसके बाद कहीं जाके मेरी मर्जी तेरी मर्जी हरगिज नहीं। ओ एक मिनट होल्ड कर, हिरन तुमने क्या कहा था, वो मासूम चेहरे के पीछे हैवान बैठा है बराबर में कुत्ते का बच्चा, क्या था वो? कुत्ते का बच्चा कब कहा था? मुझे उस वक्त ऐसी फील हुआ था, वो क्या था? मैंने कहा था मासूम चेहरे के पीछे अब हैवानियत नहीं चलेगी। हाँ अच्छा था वो, वेरी डीप। हाँ लिखो, मजलूमियत के आड़ में काम निकालना बंद करो। एक और लिखो, अगर हमने आजादी मांग ली तो मुंह बन जाएगा और अंदर का हैवान बाहर आ जाएगा, फिर प्यार हर किसी से। ठीक है, मुलाकात होती है मर्द माश में। ठीक है, सी यू, बाय। अच्छा सुने, वो सुंदस ने कहा था मेरी बर्थडे में अपने हस्बैंड को भी साथ ले आना, आप चलेंगे ना मेरे साथ? चल लेंगे, नहीं जाएंगे तो फिर वो बोलेगी कि हीरा का हस्बैंड उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता। ओह थैंक यू। अच्छा आ गया पार्लर, आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला तो नहीं है, आप वेट कर लेंगे ना? कर लेंगे। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। मैं यूं गई और यूं आई।